नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। नमस्कार, मैं हूं तनीषा प्रिया और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड जज उत्तम आनंद की हुई मौत। मामले में हाई कोर्ट ने सीबीआई से पूछा, जांच का परिणाम क्यों नहीं आ रहा है? अब क्या दूसरी एजेंसी से जांच करानी होगी? अदालत ने जांच रिपोर्ट देखने के बाद भी कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि स्टीरियोटाइप प्रगति रिपोर्ट जमा की जा रही है, जांच जस की तस है। पुलिस ने कहा, जांच सौंपी थी, आज भी जांच वहीं पर है, परिणाम क्यों नहीं आ रहा है? अदालत ने पूछा कि सीबीआई के डायरेक्टर को कोर्ट में हाजिर करना पड़ेगा क्या? हालांकि अदालत ने इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया। सीबीआई के अधिवक्ता ने कहा कि जांच चल रही है, बहुत शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी। अदालत से समय की मांग की गई। अदालत ने समय देते हुए फिर से प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। अदालत ने प्रगति रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि अभी तक जांच से कुछ भी सामने नहीं आया है। इतनी बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई है, उनसे भी जांच में कुछ परिणाम नहीं आ रहा, अब क्या दूसरी एजेंसी से जांच करानी होगी? सिर्फ काम किए जा रहे हैं, परिणाम कुछ भी नहीं। जहां थे शुरू में, अभी भी जांच उसी स्थान पर है। उल्लेखनीय है कि 28 जुलाई की सुबह करीब 5 बजे धनबाद में सुबह की सैर पर निकले एडीजे उत्तम आनंद को ऑटो में पीछे से आकर जोरदार टक्कर मारी थी। इस घटना में जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी। यह पूरी वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी में कैद हुई थी, जिसकी फुटेज किसी साजिश की तरफ इशारा कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ था कि जज उत्तम आनंद को जानबूझकर ऑटो से टक्कर मारकर उनकी हत्या की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। हाई कोर्ट इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा था। झारखंड पुलिस द्वारा प्रारंभिक दौर में इस मामले की जांच की जा रही थी। इसके बाद सीबीआई इस केस को ले लिया। सीबीआई की टीम लगातार इस मामले में अपनी जांच कर रही थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।